आप सब लोगों के पास आपका मौज बड़ी होगा, लेकिन उस मौज बड़ी के क्या क्या फायदे होते हैं शायद ये किन्हीं क्रिएटर्स को पता होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मौज बड़ी के ऐसे 5 फायदे जो शायद आप लोगों को पता है और नहीं भी, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए। समझते हैं सीधे टॉपिक पर। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लेकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें दोस्तों, और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए क्योंकि रेगुलर अपडेट आपको वहां पर भी मिलती रहती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में उठाइए और आ जाइए। हम यहाँ पर मौज एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, और आप लोगों को पता होगा MFC में आने के बाद आप लोगों के पास आपका एक मौज बड़ी मिल जाता है, और इस मौज बड़ी की कुछ ऐसी जानकारी होती है जो वो आप तक पहुँचाता है, और उसी का कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो आपको बेहद ज़रूरी हैं जानना, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन भी कई कई बार ही रहते हैं आखिर मौज बड़ी का फ़ायदा क्या है। तो हम इस फायदे को नंबर 1 और नंबर 5 तक एंड करेंगे, जिसमें से सबसे पहला हमारे पास आता है, हमने कुछ टाइप्स यहाँ पर लिख रखे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हैशटैग आते हैं जो आपका मौज बड़ी आपको भेजता है, रेगुलर आपको भेजता है। इंपॉर्टेंट हैशटैग के मतलब होते हैं, कोई कोई ऐसे हैशटैग आ जाते हैं जब आप उस पर काम करते हैं तो आपकी प्रोफाइल पर एंगेजमेंट अच्छी मिल जाती है, वो इंपॉर्टेंटली होता है, वो आपको भेजता है मौज बड़ी। उसके बाद आते हैं ब्रांड प्रमोशन, कोई ब्रांड की कोलैबोरेशंस होती है या फिर कोई ब्रांड का प्रमोट करना होता है, प्रमोशन करना होता है, मौज बड़ी आपको कॉल भी करता है और आपको मैसेज के द्वारा भी वो भेजता है, और वो आपको बताता है कि आप इस पर वीडियो बनाएं, ये एक ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि मैंने भी उस पर काम करा है और मुझे भी उससे अचीवमेंट मिला है, मुझे भी उस पर अर्निंग मिली है जब मौज बड़ी ने मुझे बताया है। तो ये होता है दूसरा। तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करें वो होते हैं ट्रेंड्स फॉर यू, आपके लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्रेंड्स होते हैं जिसके लिए मौज बड़ी सिर्फ आपको ही मैसेज भेजता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप एक डांसर हैं तो डांस के जितने भी वीडियोस के कंटेंट होते हैं उसमें से जो हैशटैग ट्रेंडिंग पर चल रहे होते हैं वो आपके लिए देखता है मौज, और आपको भेजता है, सजेशन देता है आपको कि आप इस पर वीडियोस बनाएं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लाभ वाली हो सकती है। ये तो सवाल है कि इन 3 तरह की चीज़ें मौज बड़ी आपके साथ शेयर करता है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस तरह के वीडियोस, इस तरह के कंटेंट, इस तरह की एक्टिविटीज़ कोई और आपके साथ शेयर कर सकता है, सिर्फ मौज बड़ी ही वो करता है। अच्छा, सवाल यहाँ पर चौथे का है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज, आप जो भी करना चाहो आप मौज बड़ी से करते हो, वो उसका आंसर भी देता है, तो ये भी एक इसमें पिन करा हुआ है। 4 चीज़ें आपकी यहाँ तक क्लियर अगर हो जाती हैं परफेक्टली, तो 5वीं चीज़ की बात हम करेंगे, वो है एनी लाइव इवेंट, एनी अपकमिंग इवेंट्स या फिर एनी अपकमिंग शोज जिसमें वो आपको इनविटेशन देता है और आपको उसकी सारी डिटेल प्रोवाइड करवाता है। बेसिकली ये 4-5 ऐसे क्रिएटर्स के लिए हैं, 4-5 चीज़ें हैं जो मौज बड़ी अपने क्रिएटर्स के लिए बनाया हुआ है और उनको भेजता है। आप लोग एक कैटेगरी के साथ, अपने मौज बड़ी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उस कैटेगरी को ही ध्यान में रखते हुए, उसको नज़र में रखते हुए आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी, वो आपके मौज बड़ी आप तक पहुंचाता है। साथ ही साथ आपको मौज बड़ी इस चीज़ का भी लाभ देता है कि आपकी कोई भी कंसर्न क्वायरीज है उसको वो जल्द से जल्द सॉल्व करके आपको आपकी वीडियोज़ के लिए तैयार कराए। ये है सारे मौज बड़ी के काम। अगर आपको वाकई ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है।